एएमयू में अब सनातन धर्म की पढ़ाई होगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कई बार विवादों में भी रही है एएमयू, अब यहां पर सनातन धर्म की पढ़ाई होगी। इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट की तैयारी हो गई है, सनातन के साथ अन्य धर्मों की भी पढ़ाई यहां पर की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म की ही पढ़ाई होगी, लेकिन सनातन धर्म की भी पढ़ाई यहां पर होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से कोर्स शुरू किया जाएगा। हालांकि इससे भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब जब अगला सत्र आएगा तो अगले सत्र से ये कोर्स शामिल हो जाएंगे। सनातन धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की भी पढ़ाई की जाएगी, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। कि अगर आपसे कहे कि नहीं अब तो एएमयू में सिर्फ सनातन धर्म की पढ़ाई होगी, तो ऐसा नहीं है। सनातन धर्म की पढ़ाई होगी, लेकिन इसके साथ साथ अन्य धर्मों की भी पढ़ाई होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। प्रदीप सारस्वत अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा बताइए किस तरह का फैसला लिया गया है और क्या तैयारियां चल रही हैं इसको अमल में लाने के लिए। देखिए, अभी पिछले दिनों जो एक विवादित मामला सामने आया था, जब यहाँ पर तो पाकिस्तान के स्कॉलर थे अब्दुल अलाम मौदूदी, उनकी किताबों को यहाँ पर हटाया गया था, जब 27 जुलाई को कुछ लोगों ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को। उसके बाद अब जो इस्लामिक स्टडीज विभाग है उसने ये तय किया है कि यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज के अलावा जो सनातन धर्म है उसकी भी पढ़ाई कराई जाएगी। ये एमबीए में कोर्स में शुरू होगा और जल्द ही इसको अमल में लाया जाएगा। लेकिन इस पर भी अब सवाल खड़े किए हैं मुफ्ती जायद अली खान, जो पूर्व चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी के। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग से विभाग खोला जाना चाहिए, क्योंकि जहां धर्म की पढ़ाई कराई जाती है वो थियोलॉजी विभाग है, लेकिन जो इस्लामिक स्टडीज विभाग है वहां पर जो धर्म है उसकी हिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाती है, उसके इतिहास के बारे में बताया जाता है। और अगर आपको सनातन धर्म के बारे में पढ़ाना है तो आप इसके लिए संस्कृत विभाग में अलग से विभाग खोल सकते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज विभाग के इस फैसले को लेकर खुद ज्योलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन ने सवाल खड़े किए हैं। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में इस फैसले से कई लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। प्रदीप, क्या ये माना जाए, कुछ लोग हो सकते हैं जो सवाल यहाँ पर उठाएंगे कि इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में अभी तो मुफ्ती जायद साहब ने सवाल उठाया और भी कई लोग हैं जो सवाल उठा सकते हैं इस बात पर, क्योंकि जो इस्लामिक स्टडीज विभाग है वो इस्लाम को लेकर पढ़ाई कराता रहा है अभी तक पिछले कई सालों में, और थियोलॉजी विभाग जो था वो ऑलरेडी सभी धर्मों को लेकर पढ़ाई करा रहा था। जब उसमें पढ़ाई ऑलरेडी हो रही थी सभी धर्मों की, तो आखिर इस्लामिक स्टडीज विभाग को क्यों जरूरत आन पड़ी, इसको लेकर सवाल जरूर खड़ी कही जा रही है इनके अंदर। बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है। शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले सत्र से कोर्स शुरू किया जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है जो कई बार चर्चाओं में रही है यहां पर जो गतिविधियां हुई हैं उनके चलते।